नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए, हम लोग 2 दिन के आर्टिकल देखेंगे और इसमें देखिए बहुत आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। एक तो हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे मेंस पेपर 3 का, और वो रहेगा आपका नक्सलवाद से संबंधित। तो इस पेपर को हम लोग पूरा देखेंगे, टॉपिक को पूरा देखेंगे। पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है ये टॉपिक, तो और सीधे सीधे पूछा जाता है एग्जाम में पेपर 3 में, ठीक है। तो NIA ने छापा मारा है बलिया में, तो ये यूपी से संबंधित भी है। बलिया में देखिए इस तरीके से नक्सलवाद आपका पनप रहा है, तो 11 ठिकानों पर छापा मारा है NIA ने। और भी हैं इससे संबंधित न्यूज़, तो आपका यूपी के पेपर 5 में इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रसार इसका बलिया में हो रहा है। अब तक नक्सलवाद का प्रसार कहाँ 3 जिलों में दिखाया जाता था, कौन कौन से थे? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली। अब आपका बलिया पर भी इसका असर देखने को दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए इंटरनल सिक्योरिटी से ही आपका एक और जुड़ा है आर्टिकल, और वो कौन सा है? ये देखिए, छत्तीसगढ़ में के बीजापुर में अभी मुठभेड़ चल रही है, और ये 2-3 दिन से ये न्यूज़ में बना हुआ है टॉपिक। तो यहाँ भी नक्सलवाद को हम लोग आंतरिक सुरक्षा के तौर पे देखेंगे। तो कई ऐसी न्यूज़ हैं जो इस तरीके से नक्सलवाद पे आधारित कई दिन से चल रही हैं। अगली देखते हैं हम लोग, नई सरकार में MSME बनेगा निर्यात का इंजन, यानी इसमें हम लोग MSME टॉपिक पूरा देखेंगे। उसकी चुनौतियाँ उसके सामने क्या हैं, क्या क्या डेटा है इससे संबंधित, MSME का योगदान ये पूरा इसमें ये दे रखा है पूरा डेटा। तो इसके साथ साथ में हम और भी डेटा इसमें जोड़ा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज होने वाला है वीडियो, मेंस जो देते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा इसमें मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें, ये भी देखिए आर्टिकल नक्सल से संबंधित है। ये सब 2-3 दिन से लगातार ये चर्चा में चल रहा है, इसलिए आज हम ये टॉपिक पूरा देखेंगे। ये देखिए एक एग्जांपल है आपको, ये गवर्नेंस में या पेपर 4 में डाल सकते हैं, सिविल सेवा के मूल्यों में। तो देखिए, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने का दोषी IAS अधिकारी तंवर निलंबित कर दिया गया है। अब ये CBI ने, ये CBI कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था। तो क्या नाम है इनका पूरा? नवीन तंवर नाम है। मामला क्या था कि ये इन्होंने 2014 में एक दूसरे के स्थान पे क्लर्क परीक्षा में ये दूसरे की जगह बैठे थे, और फिर उन पे केस दायर हुआ, और इसके बाद ये 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में 2019 में ये खुद सेलेक्ट हो गए। तो उसके बाद अब इनको निलंबित कर दिया गया है। तो आप दिखा सकते हैं इस तरीके से सिविल सेवा के मूल्यों के खिलाफ जो है, तो इसमें पेपर 4 में या गवर्नेंस में डाल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल आपको नहीं मिलते लास्ट में, तो यही एग्जाम्पल काम आते हैं। एक ये देखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड की मांग की गई है आपके इस सुनवाई पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसमें क्या कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है कि जैसे मानिए ये सिविल सेवा के सुधारों में अगर डालना हो आपको, तो सिविल सेवा सुधारों में इस पॉइंट को डाल सकते हैं। पहले ये समझ लिए कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है। जैसे कोई सिविल सेवक है, वो मान लीजिए अभी इलेक्शन के टाइम, ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिले होंगे आपको कि उन्होंने अपना रिजाइन देने के बाद तुरंत पार्टी ज्वाइन करने के बाद इलेक्शन लड़ रहा है। तो ऐसा ये पीरियड इस तरीके का है, कूलिंग पीरियड में बताया गया है कि ऐसा कुछ समय प्रतिबंधित कर दिया जाए कि जैसे छोड़ने के बाद इलेक्शन ना लड़ पाए उसको, जैसे अपना पद छोड़ने के बाद तुरंत वो इलेक्शन लड़ने के पात्र ना रहें। तो ये मांग थी, चुनाव आयोग ने ही इसकी अनुशंसा की थी 2012 के करीब में। तब से ये अब इस पर दोबारा से एक्शन लेने के लिए ये मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया है। तो ये सिविल सेवा के सुधारों में आप इसको डाल सकते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड का, क्योंकि इससे क्या है कि सिविल सेवा के मूल्यों को क्षति पहुंचती है, और अधिकारी अपना निष्पक्षता में या कमी आती है इससे। ये देखिए अंग प्रत्यारोपण, 3 साल में अंग प्रत्यारोपण के 800 फर्जी NOC जारी हुए थे। ये राजस्थान के जयपुर में मामला था पूरा। तो इसको आप पेपर 4 में डाल सकते हैं मेडिकल एथिक्स में। किस में? तो ये आपका मेडिकल एथिक्स से आप इसको जोड़ के एग्जांपल दे सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे हुआ है ये अंग प्रत्यारोप, अंगों का जो किडनी प्रत्यारोपण गिरोह चल रहा था, इसने बहुत सा बड़ा घोटाला किया इसमें, और ये इसके खिलाफ जाता है ये मेडिकल एथिक्स के। तो आप इस एग्जांपल को लेके डाल सकते हैं एथिक्स में, ठीक है, क्योंकि एथिक्स पूछता है आपसे, एथिक्स की परिभाषा पूछेगा, तो मेडिकल एथिक्स में ये चीज़ें खिलाफ है। तो एग्जाम्पल लेके आप इसको समझा सकते हैं। अब देखिए टॉपिक हम शुरू करते हैं MSME यहाँ से, फिर देखेंगे लास्ट में हम लोग क्या नक्सलवाद, पूरा नक्सलवाद देखेंगे। अभी MSME देख लीजिए, वर्तमान में देश में देखिए 6.4 करोड़ पंजीकृत व गैर पंजीकृत आपकी MSME मौजूद हैं। इनमें से कितना 1.58 करोड़, 6.4 करोड़ तो हैं, 1.58 करोड़ उद्यमी पंजीकृत हैं उद्यमी पोर्टल पे। कितने ये पंजीकृत हैं उद्यमी पोर्टल पे, और इनमें से भी 1.5 करोड़ में से भी कितने, ये यहाँ 58 होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक लगता है, इसको 58 कर लीजिएगा आप। तो 58 लाख उद्यमी जो हैं वो
उद्यमी वस्तु एवं सेवा का निर्यात करते हैं मात्र, इतने ही हैं। और 51% जो MSME हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में है इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा इससे, इसलिए इन पर फोकस करने की आवश्यकता है। और 11 करोड़ से अधिक लोगों को ये रोजगार भी दे रहा है MSME। यूपी में क्या स्थिति है, तो यूपी में 90 लाख MSME हैं और ये सर्वाधिक MSME है उत्तर प्रदेश में। और निर्यात में कुल यूपी में निर्यात में क्या शेयर है इनका, 45% शेयर है इनका यूपी में, और GSDP में योगदान 38% है यूपी में। ये यूपी के संबंध में पूरा डेटा, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब देखिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं इनके आगे वो और समझ लीजिए। चुनौतियाँ तो देखिए लाल फीताशाही है और आंकड़ों का अभाव है, वित्त की समस्या है, अधिकांश जो है अधिकांश जितने MSME हैं वो ऋण अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, नवाचार की कमी देखने को मिलती है, उत्पादन का छोटा पैमाना है यहाँ पे, पुरानी तकनीकी का प्रयोग करते हैं ये, जागरूकता का अभाव है और आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएँ हैं, जैसे बढ़ती हुई घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, और इनकी औपचारिकता का अभाव है क्योंकि 86% विनिर्माण MSME अपंजीकृत हैं इसमें, कौशल विकास की कमी देखने को मिलती है, अपर्याप्त कुशल कार्यशक्ति है। तो ये सारी इनके सामने चुनौतियां हैं। वित्त की समस्या तो देख ली हमने, वित्त की समस्या है तो और ये हो गई आपकी चुनौतियां, कुछ समाधान देख लीजिए अपनी तरफ से, कुछ ऐड कर देना। वन स्टॉप पोर्टल की आवश्यकता है जहाँ पे सारे जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एक ही पोर्टल पे जाके पूरी हो जाएं, तो इससे क्या रहेगा, समय और पैसे की बचत होगी। आपूर्ति श्रृंखला में सुधार किया जाए, कच्चे माल की आपूर्ति उन्हें आसानी से हो जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी योजनाओं को स्थानीय MSME से जोड़ा जाए। विवाद समाधान हेतु ई कोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। और वित्त की पहुँच हेतु औपचारिकताओं को कम किया जाए, यानी औपचारिक स्रोतों तक उनकी पहुँच को बढ़ाया जाए। तो ये इनके समाधान में डाल सकते हैं और भी दे सकते हैं जो आपके पास हों। अब इनकी परिभाषा देख लीजिए, चेंज कर दी गई थी परिभाषा MSME की। MSME M मतलब माइक्रो या हिंदी में सूक्ष्म। इसमें देखिए माइक्रो में निवेश कितना होना चाहिए, 1 करोड़ से कम निवेश हो और टर्नओवर इनका 5 करोड़ से कम हो, ठीक है। निवेश मतलब मशीनरी इत्यादि में जो निवेश होता है, और टर्नओवर पूरा इनका 5 करोड़ से कम होना चाहिए। और लघु का क्या स्थिति है, तो निवेश इनका 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। मध्यम में निवेश 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो। तो ये इनकी परिभाषा है 2020 में जो चेंज हुई थी उस परिभाषा के अनुसार है। तो इसको आप परिभाषा पूछता ही क्वेश्चन MSME पे, चाहे वो पेपर आपको UPK में पूछे या पेपर थर्ड में पूछे। अब देखिए मानव विकास के आयाम क्या क्या होते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। जीवन स्तर में देखेंगे PCI और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा कितनी है अभी, 67.7 वर्ष है। और वहीं PCI कितनी है आपकी, PCI है 6,951 डॉलर है आपकी, कितनी, $6,951। तो ये आप देख लीजिए इसको, क्योंकि अभी चेंज थोड़ा सा आया है। और शिक्षा में क्या है, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष जो है 12.2 थे पहले, 12.6 वर्ष हो गए ये बढ़ के। और अब ये मानव विकास सूचकांक के बारे में आप जानते ही होंगे, UNDP जारी करता है इसको, कौन, UNDP 1990 से ये जारी कर रहा है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा बनाया गया था ये। और इसमें भारत की रैंकिंग 134 है, सोचिए 193 देशों में से 134 है। तो भारत में मानव विकास की क्या स्थिति है, अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो ये आंकड़े आप डाल के दिखा सकते हैं। और श्रम बल में लिंग अंतराल कितना है अभी वर्तमान में, तो महिलाएं श्रम बल में कितनी है, 28.3% है, और वहीं पुरुष कितने हैं, 76.1% पुरुषों का भागीदारी है इसमें। तो देखिए अभी कितना बड़ा लिंगों में अंतर है यहाँ पर लिंग। और नेक्स्ट देख लीजिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो बहुत कई दिन से हाईलाइट चल रहा है, यानी आपका उग्रवाद या नक्सलवाद, दोनों ही आपसी जुड़ी हुई घटनाएं हैं ये, तो आप समझ लीजिए इसको। पेपर थर्ड में पूरा ही आज टॉपिक कवर करेंगे ये। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए इसमें क्या डालना है, ये उग्रवाद क्या है, जब विचारधारात्मक राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने हेतु तो भय, आतंक और हिंसा जैसे माध्यमों को न्यायोचित माना जाता है, तब उस स्थिति को कट्टरपंथ का हिंसक उग्रवाद के रूप में उदय होता है। तो यही आपका उग्रवाद है, यानी हिंसक उग्रवादी विचारधाराओं को अल्प विकसित सुभेद समुदायों के रूप में विकसित करने हेतु बेहतर अवसर प्राप्त भारत में हुए हैं। तो भारत में ही नहीं, हर जगह ये इस तरीके के अवसर मिले हैं, जहाँ भी शोषण और समाज रहा है वहाँ इस आसानी से इनकी पहुँच उग्रवादियों की हो जाती है, वो टारगेट आसानी से कर लेते हैं। कट्टरपंथ देख लीजिए, रेडिकलिज्म क्या होता है, तो कट्टरपंथ को भी जान लीजिए, इसी से संबंधित विचारधारा है। कट्टरपंथी अपने अनुयायियों के प्रति हुए राजनीतिक तथा आर्थिक अन्याय को इंगित करते हुए कार्य करते हैं ये, इसको राजनीतिक और आर्थिक अन्याय की बात करते हैं इसे दिखा के, और ये क्या करते हैं, अपनी विचारधारा को फैलाते हैं।
भारत में वामपंथ या उग्रवाद या नक्सलवाद का क्या रहा इतिहास वो देख लीजिए। देखिए नक्सलवाड़ी एक गांव था जो दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में था, वहीं से इसका नाम पड़ गया और उदय हुआ नक्सलवाद का। नेतृत्व किया था 1967 में ये थे चारू मजूमदार और भानु सान्याल, कानू सान्याल और आपके जंगल संथाल, ये आपके तीनों भाई थे। ये भाई दो थे शायद, लेकिन ये आपस में इन्होंने क्या किया था नेतृत्व, ये 1967 से ये स्टार्ट किया था। राष्ट्र सरकार के विरुद्ध इन्होंने गोरिल्ला युद्ध या हिंसा को अपनाया और माओ की विचारधारा से ये प्रभावित थे। संघर्ष करके ये राजसत्ता पर अधिकार स्थापित करना चाहते थे, जिससे कि जन सरकार की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। नक्सलवाद के कुछ चरण भी हैं, जैसे स्टार्टिंग में कैसे रहा है, क्या रहा है, तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ये प्रारंभिक चरण में नक्सलवादी चरण जो बोला जाता है 1967 से 72, तो मई 1967 में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। 69 में मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआई पार्टी की स्थापना होती है, सीपीआई एमएल। विस्तार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। लक्ष्य क्या था माओवाद का? लंबा जन आंदोलन, गुरिल्ला युद्ध करना ग्रामीण क्षेत्रों में और क्रांतिकारी गतिविधियां चलाना, इस तरीके से इनके ये हथियार थे, एक रणनीति थी इनकी। 1972 में चारू मजूमदार की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ नक्सलवादी आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। अब द्वितीय चरण आता है 1972 से 2004 तक, तो आपातकाल के बाद में पुनः नक्सलवाद का विस्तार होता है और ये बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैल जाता है। 1980 में सीपीआई एमएल की स्थापना होती है, पीपल्स बार ग्रुप ये बनाया जाता है सीपीआई एमएल के तहत, और ये आंध्र प्रदेश पुलिस कर्मियों की हत्याएं इसने की थी, ये तब ये चर्चा में आया। आगे देखते हैं तीसरा चरण 2004 के बाद में आता है, सीपीआई माओवादी संगठन की स्थापना होती है। यूएपीए 1967 के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है इसे। लाल गलियारा क्या है? देखिए इसमें नक्सलवाद में लाल गलियारा बहुत फेमस रहता है, तो ये कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र है ये लाल गलियारे के तहत आता है। वर्तमान विस्तार इसका पशुपति से लेकर तिरुपति तक देखने को मिलता है। अब मैप के थ्रू देख लीजिए थोड़ा सा क्या क्या है, जहाँ ज़्यादा प्रभावित है वो लाल कलर से आपको दिख रहा है, इस तरीके से जो रेड है यहाँ ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और ये मध्यम है जो इस तरीके से ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मध्यम है, और न्यून वाला ये आपका डॉट डॉट वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपका मध्यम न्यून में आ गया है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से मैप बना के आप दिखा सकते हैं। हिंसक घटनाएं इन्होंने क्या क्या की हैं अब तक? देखिए अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, माओवादियों द्वारा 76 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये 2010 में, 13 में और 21 में देखने को फिर से मिलता है। 2013 में ही छत्तीसगढ़ में कितने 27 राजनेताओं की हत्या इन्होंने कर दी थी। फिर अप्रैल 2021 में सुकमा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है सुरक्षा बलों पर हमला। ठीक है, ये अब लाल गलियारे में बदलाव भी हुआ है। 2015 में ये 10 राज्यों के 106 जिलों में था, लेकिन अब वर्तमान में ये काफ़ी घट गया है, ये अब कमज़ोर पड़ा है इसका, ये लाल गलियारा छोटा हो गया है। अब वामपंथी उग्रवाद के विस्तार के क्या कारण रहे हैं वो कारण देख लीजिए। देखिए भूमि संबंधी कारण रहे, जैसे भूमि संबंधी कारण में क्या है कि इनका भूमि का जो स्वामित्व को लेकर इनकी समस्याएं रही हैं, जंगल जमीन और इनका कुछ नारा है इस तरीके का, तो वो इससे संबंधित है आपका। विस्थापन को बलपूर्वक निष्कासन देखने को मिलता है इनका, और आजीविका संबंधी कारण भी रहे कुछ इनके, जो जंगलों पे जो अधिनियम पास हुए उनको भी इनकी समस्याओं में गिना जाता है। 1986 का जो पर्यावरण एक्ट आया और जो भी चेंज आए, तो ये लोग नहीं चाहते कि जंगलों में कुछ अब बदलाव हो, सरकार चाहती है कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन ये समस्या का कारण बन गया है। सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं हैं, शासन संबंधी कारण हैं कि सही से नीतियां लागू ना होना, वहाँ पे विकास कार्य ना होना, तो ये भी कुछ कारण हैं इनके। नक्सलवाद को जारी रखने में सहायक कारक कौन कौन से हैं? एक प्रेरक विचारधारा है, मजबूत संगठन है, वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता इनके पास, बाहर से भी इनके पास फंडिंग होती है, निरंतर नए सदस्यों का जुड़ना होता है, इनसे जुड़ते रहते हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्हें सपोर्ट देते हैं, जैसे बाहरी जो राज्य हैं वो भी इन्हें सपोर्ट देते हैं, जो नॉन आतंकी हैं, नॉन स्टेट एक्टर में कौन कौन आते हैं, आतंकी जैसे संगठन जो होते हैं जो स्टेट से संबंध नहीं रखते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, वो भी इन्हें इन दोनों के बीच में मिला जुला रूप देखा जाता है इनका, कि ये इन्हें फंडिंग करते हैं और ये नक्सलवादी इन्हें ये तंत्र उपलब्ध करा देते हैं, इस तरीके से इनका आपसी संबंध है। सरकार की ओर से पर्याप्त मूल्यांकन व समन्वित प्रतिक्रिया का अभाव देखने को मिलता है। और वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को नियंत्रित करने हेतु सरकार की रणनीतियाँ क्या रही हैं?
तो देखिए दीर्घकालिक रणनीतियां देख लीजिए क्या क्या है। पहली है इसमें दीर्घकालिक, जैसे सुरक्षा है, सुरक्षा है, विकास है, जन अपेक्षाएं हैं, जन संवेदना प्रबंधन करना और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, सुशासन में वृद्धि करना, विकास कार्य करना, सड़क रोजगार इत्यादि की व्यवस्था करना, सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करना, एकीकृत कार्य योजना विकास मॉडल चलाना और राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना, समीक्षा व निगरानी तंत्र को मजबूत करना। तो ऐसे कुछ सरकारी कार्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी सरकारी योजनाएं चली हैं। जैसे ये क्षेत्र है जो इससे प्रभावित है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्र है ये जो इसी से प्रभावित है। इसमें क्या क्या है, जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय योजना और नागरिक कार्य विधि कार्यक्रम, भौगोलिक सूचना प्रणाली व GIS मैपिंग करना, PM कौशल विकास योजना, आकांक्षी जिलों को शुरू करना, नक्सलवादी क्षेत्रों में जो जिले हैं उन्हें आकांक्षी जिलों में शामिल करना जिससे विकास की संभावनाएं बढ़ सकें। इसमें देखिए एक रणनीति है समाधान रणनीति, जो कहीं भी आए, यूपी में भी आए या आपके पेपर थर्ड में आए तो आप समाधान को जरूर लिखना। तो इसमें क्या आएगा, 2017 में जो इससे प्रभावित थे उग्रवाद से, जो प्रभावित राज्य थे उनके केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक में कुछ योजनाएं शुरू की गई थी, CMSO व केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक में। तो उसमें देखिए ये योजना शुरू की गई थी, इसको डालने की जरूरत नहीं है आपको कहाँ क्या कैसे शुरू की गई थी। अब समाधान को जान लीजिए, समाधान रणनीति है जो 2017 में आई थी। इसमें क्या था, इसकी फुल फॉर्म है ये स्मार्ट लीडरशिप अग्रेसिव स्ट्रेटजी और मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग एक्शनेबल इंटेलिजेंस डैशबोर्ड आधारित मुख्य निष्पादक क्षेत्रीय संकेतक हार्नेस टेक्नोलॉजी तकनीकी का उपयोग एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर यानी प्रत्येक रण क्षेत्र हेतु कार्य योजना नो एक्सेस टू फंडिंग यानी फंडिंग तक इनकी पहुंच को रोकना। तो ये इनकी ये क्या इसकी फुल फॉर्म थी, समाधान रणनीति कहीं भी आए आप डाल दीजिएगा इसको। पांचवा पॉइंट है राज्यों के द्वारा कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अल्पसमर्पण जो आत्मसमर्पण व पुनर्वास कार्यक्रम, नेताओं की गिरफ्तारी, जैसे ये कुछ पॉइंट हैं आपके, ये आपका गलत लिख गए आई थिंक, इसको हटा दीजिए आप। देखिए और इसमें आम नागरिकों, NGO, मीडिया आदि की रचनात्मक भूमिका को बढ़ावा दिया जाए, वित्त व हथियार पहुंच पे रोक लगाई जाए। तो ये क्या है, तो इस तरीके के ये उपाय किए जा सकते हैं नक्सलवाद को रोकने के लिए। शहरी नक्सलवाद क्या होता है, शहरी नक्सलवाद में क्या आता है, जैसे अकादमिक, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, NGO, सरकार, शहरी नागरिक समाज के ऐसे शिक्षित लोग होते हैं इसमें जो राष्ट्र के विरुद्ध गैर कानूनी व हिंसक विद्रोह का समर्थन करते हैं, तो ये शहरी नक्सलवाद बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें विकास व फैलते उग्रवाद के बीच में क्या संबंध है। देखिए कोफी अन्नान का कोट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक विश्व में असंख्य लोग पीड़ित व वंचित हैं तब तक कोई भी व्यक्ति सहज व सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। अब कोट को इसको लिख सकते हैं। विकास के क्या आयाम होते हैं, देखिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानव विकास, आधारभूत संरचना संबंधी विकास, संधारणीय विकास, प्रशासनिक विकास, तो इस तरीके से इसमें इनको आयाम बना के विकास के ये और उसमें संबंध दिखा सकते हैं उग्रवाद के कारणों में। जैसे उग्रवाद के कारण है जल, जंगल, जमीन, आर्थिक, सामाजिक, जो भी जो इनके पास हैं, जो भी ऊपर बताए गए थे वो डाल सकते हैं। सुशासन का अभाव देखने को मिलता है, जाति व जनजाति संबंधी कारण है, भौगोलिक व ऐतिहासिक कारण है, इसके इतिहास में भी छुपे हैं, और त्रिसंगम सिद्धांत है, यहाँ तीन राज्यों की सीमा मिलती है तो वहाँ पे इनके लिए आसान हो जाता है, एक राज्य में घटनाएं करेंगे दूसरे में ये भाग जाते हैं। जैसे दंडकारण्य का क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद इसलिए ज़्यादा पनपता है, तो ये भी एक कारण है। तो ये देखिए कुछ हमने इसमें उग्रवाद के बारे में देख लिया और कुछ आपको भी काम करना है कि इसी में आपको नोट डाउन करके और अपनी चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है। तो इस तरीके से हम लोग लगभग लगभग जब तक हमारा चलेगा हम लोग पूरे सिलेबस को एग्जाम्पल डेटा और आपके रिपोर्ट के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें इतना ही है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो अभी चैनल को वो कर लीजिए, और यूपी की सीरीज इस पे चल रही है पेपर 5 और 6 साथ साथ में, तो उसे भी आपको देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।